दस बजे बाद एक जगह बंद सू मेरा नाम वेख के वो गैप हो जाते सर। फिर बार बार अच्छी इंतजार करते रहे आखिया कि वापस आओ। फिर मैंने तसली कराई है बीपी 34 परवेज साहब नहीं कुछ उत्तर मैं वक्त क्यों मैं आजाद वो बाद अच्छा 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 ठीक है ठीक है। मतलब साढ़े के जाहिर कर रहे सर कि भाई जो तुम कह रहे हो ना ठीक है वो बाद सू लैके चले गए दफ्तर पता होना चार बज गए चार नहीं बजे पौने चार सन मैं चली गई साढ़े तीन पौने चार सन इसी देर तक चली गई। मैं क्या जी यह मसला है कि सानू सवेर का बिठाया ने अगर साढ़े कागज नहीं लेने तो सानू दस दिन असं घर चले जाइए। उन्हें क्या अच्छा नहीं जी बड़ी सॉरी उन्हें उस वेले फोन किया बंदे आखिया फोन कर फोन किया तो वापस आ गए थोड़ी देर बाद वापस आ गए। उन्हें दफ्तर च बिठाया सू चाह पियाई सारी खातर अपने वालों की वो बाद उन्हें सारे कागज सारे देखे ने सवाल जवाब मेरे किए ने नौ दो जे बंदे सन नाल जे प्रपोजल जरा सैकेंड मैं उन्होंने मजाक गल आखी है मैं क्या जी तुम इन्होंने सिक्योरिटी दे सकते हो क्योंकि इन्होंने गायब कर दें जो घस के आंदा जी ये सारा काम दें। मैं क्या चलो कोई गल नहीं क्योंकि यही है कि इन्होंने चुके किरे लै जाएंगे दसन लग पाया कि जी वो तो फिर असं नहीं कर सकते। मैं चलो मैं अपने नाल रख लवानी ना। एक बेचारा बुढ़ा बंदा से बाद असं उतू निकले हैं उन्हें बड़ी जल्दी की है कि जी फटाफट इन्होंने करके दो जो उतू निकले हैं असं निकल के अं बाहर ही आए हैं रसीद उन्हें मैंने फड़ाई है रसीद ने अपने परस पाई फिर एक जिन्ना तौर तुम ना इन्ना चमगटा से एकदम बंदे सारे आ गए वो ही सन जे गेट से खिलोते सन दूसरे कपड़े के सिविल वाले कपड़े से। मैं आखिया बड़ा हैरान हो मैं क्या कि करते हैं सारे अगे इधर उधर उन्होंने सानू मौका नहीं देता। मैं सीढ़ी उतरी हाँ उन्होंने ए मेरा इतने परस रखिया वाइट कलर का वो मैं रसीद पाई उन्होंने इन्नी तेजी के नाल मेरे को परस खोया और मैं इन्ना सख्त हैरानगी हुई है ए मेरिया लत्तां दोवें जख्मी हुई ने और मेरे हाथ उन्होंने इंज मारे मेरे हाथों वो बाद उन्होंने मैं धक्का मार के सटे और जगह भी उच्ची नीची जगह से मेरे को सिर्फ यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई तुम थोड़ी बहुत शर्म करो गल भी नहीं बंदा कर सकता कि अपनी जबान खराब होती है कि तुम राम दे नाल कह दियो कि भाई नहीं असी पेपर फाइल करना मारन दा और बहाने पाने दा खड़ा करन दा कोई है मकसद या तो हो ना कि असी भी जिद पे करने नहीं कि असी कागज़ जमा कराने। मैं शुरू च ही आख्या मैं क्या बीपी 34 इतने प्रवेश साहब नहीं है मैं शुजात साहब की मशीर हाँ उन्होंने कहा अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी कर कर आके आखिर उन्होंने पूरा प्लान किए और सारे इंज आए जिस तरह पूरी फौज आ जाती लेकिन सब तो ज्यादा बदतमीजी और बेशर्मी कि एक औरत दे नाल तुसी जो पे करते हो धक्का दिता ने बकायदा परस को परस के मेरी रसीद सी जी उन्हें ली है तुम मैं आराम ना को रसीद देनी जी कि नहीं देनी। मैं कहा जी हेलो रसीद ले लो इलेक्शन है कोई ये तो नहीं कि जिंदगी मौत का सवाल है दफा करो लानत भेजो ऐसे इलेक्शन मैं तो उन्हें भरा तक भी लानत भेजनी है जेडे इन्हों के नाल बैठे उन्होंने भी लानत है भरावान बड़ा मेरा भरा है ना लेकिन इस वक्त मैं शर्म नहीं आती उन्हें अपना भरा कह दिया कि जी भैन की इज्जत सेफ्टी है तो वही भरा ने जिन्होंने मैंने डिस्ट्रिक्ट कौंसल इलेक्शन वास्ते आख्या तू ला या तो होगा कि साढ़े खानदान औरतें बाहर नहीं जाती हैं उस वक्त मैं सारा कुछ ठीक से इस वे जो प्रवेश साहब के नाल हाँ मैं और हालांकि मैं आखिया है इस बंदे सारे बंद आखिया कि प्रवेश साहब इतने नहीं इलेक्शन ला रहे पीपी 34 है लेकिन फिर भी मेरी गल नहीं सुनी गई और जिस तरीके ने उन्हें धक्का दिता अला वेखता से ना पिया उन्होंने अला जरूर पूछेगा मतलब मैं जोरों के कोलों परस खोना तुम आराम के नो जी मैं रसीद दे दौ तो मैं तुम्हें रसीद फड़ा दिया मैं लानत भेजनी से उस रसीद की करना सी रसीद और मैं अपने वालों जो बंदे नाल दो ने प्रपोजल सैकंड में उन्होंने सेफ भी करनी है और नाल औरत सी मेरे उन्होंने भी चुके लै गए थे वो भी नहीं पता लगता पे वो सोबिया सरफराज है वो भी नहीं पता लगता था कितने गई सड़क बंदे बेसी करानी है तो इलेक्शन का की फायदा जी कि इलेक्शन पे लड़ने